हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मैक्सभी से हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था, तो इस बार अगर हमें ऑर्डर कैंसिल करना होगा तो वो अमाउंट हम कैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मैक्सभी वैसे ही ओपन करेंगे जैसे कि लास्ट टाइम ओपन किया था। यहाँ पर साइन इन किया है मैंने ऑलरेडी, ओके, जैसे कि आपको दिखाया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल होता है, कैसे कैसे कौन से पार्ट्स हम मंगा सकते हैं। तो सर्च बार है यहाँ पर, तो सर्च बार में हम सर्च करते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ। उसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पार्ट्स है जो इसमें मिलता है। तो जैसे कि सर्च बार में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ब्रांड्स आए हैं, नोकिया, मोटरोला, एसएस, सोनी, एलवाईएफ, बहुत सारे एचपी से लेके आईफोन, एप्पल के भी है यहाँ पर। ए टू जेड जो भी ब्रांड है उसके अल्फ़ाबेट्स दिए गए, कोई भी सर्च करे। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है हमें। सैमसंग में मैंने क्लिक किया तो सैमसंग में कोई, देखिए सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे, सारे के सारे। तो कोई भी एक मॉडल सिलेक्ट करते हैं हम, जैसे कि सैमसंग का एक सिलेक्ट करता हूँ मैं, सैमसंग गैलेक्सी M31। उसके देखिए फ्रंट ग्लास लेंस है, LCD है विद टच, बैटरी भी है और चार्जिंग कनेक्टर, फ्लेक्स PCB बोर्ड भी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ग्लू गन और बाकी एसेसरीज भी हैं, जो चाहिए वो मंगा सकते हैं। तो अब दूसरे भी ट्राई करते हैं हम, एप्पल का चेक करते हैं अभी यहाँ पे है। तो एप्पल के सारे के सारे मॉडल्स हैं। तो कोई भी मॉडल एक सिलेक्ट, रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ मैं, उसके पार्ट्स है के देखते हैं। बैटरी होगा यहाँ पे, या बैटरी भी है देखिए। तो बैटरी में देखते हैं कैसा है बैटरी। देखिए 719 रुपीज़ का बैटरी मिलता है आपको, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर ये ऑर्डर प्लेस किया तो बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता, या तो 2-3 दिन के बाद अवेलेबल होता है। तो जो आपका मनी है, जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है, वो कैसे यहाँ पे ई वॉलेट दिख रहा है आपको, ई वॉलेट यहाँ पे, वो ई वॉलेट में आके स्टोर हो जाता है आपका अमाउंट, ताकि आप बाद में डायरेक्टली पे कर सकते हो यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो ई वॉलेट में पैसा है वो आपके अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके लिए हमें जो ऑर्डर दिख रहा है, पहले ई वॉलेट में देखिए यहाँ पर होता है वो अमाउंट जो मैंने पे किया हुआ है, या तो मेरा कैंसिल हुआ होता है वो भी अमाउंट है। तो मैं इसको रिफ़ंड करता हूँ, इसी अमाउंट को मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है मुझे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर जो मैंने अभी मंगाया था रिसेंटली, 1000 का जो बैटरी था, 1359 का, उसी में क्लिक कर दें। उसी में क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे देखिए प्रिंट इन्फॉर्मेशन, बाकी सब कुछ रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं उसको, उनको कॉल बैक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे देखता हूँ कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट मंगाया था, ये प्रोडक्ट है। तो इसके नीचे समरी जो है ना, समरी के नीचे ही, समरी के अंदर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट का यहाँ पे एक है, देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक है कि कंप्लीट यूजुअली टेक्स 10 to 15 वर्किंग डेज, इतना दिन लगता है आपके बैंक में ट्रांसफ़र होने के लिए, क्योंकि उनके होते कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने क्लिक किया तो इसके अंदर, यहाँ पे तो मैंने रिफ़ंड कर चुका हूँ मैं, इसलिए मुझे ये डायरेक्टली दिख रहा है। ये मुझे क्यों दिख रहा है, अगर मेरा 15 डेज़ के बाद भी मुझे अमाउंट नहीं मिला तो यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स है, यहाँ पे मुझे कमेंट करना है, उनको रिक्वेस्ट सेंड करना है, एक बॉक्स है यहाँ पे मुझे उनको रिक्वेस्ट सेंड करना है। तो मेरा एक दिन में, सिर्फ एक ही दिन में फिर ट्रांसफ़र हो जाता है, 15 डेज़ के ऊपर अगर मेरा नहीं हुआ बैंक में ट्रांसफ़र। तो आपको यहाँ पे दूसरा पेज दिखाई देगा, जैसे कि फर्स्ट टाइम अगर आप रिफ़ंड का बटन दबा रहे हो बैंक ट्रांसफ़र का, तो वहाँ पे सक्सेसफुल दिखाता है और वहाँ पे 15 डेज़ का टाइमिंग दिखाता है। और यहाँ पे दिखता होता है हमें, अगर आप डेली आके चेक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि आपका कितना दिन हो चुका है और कितना दिन बाकी है। तो इस तरीके से हम कुछ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लाइक ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और जो रिफ़ंड भी कर सकते हैं बैंक में ट्रांसफ़र डायरेक्टली। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपल ईजी है। अगर आपको प्रोडक्ट चेंज करना है और आपने कैंसिल किया ऑर्डर, तो आपके ई वॉलेट में जमा हो जाता है सिंपल, तो उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसा रिफ़ंड करना है, आपके बैंक में ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है और ईजी है, और मैं अगला वीडियो भी लेके आऊँगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों को ऐसे एंटरटेन करूँ। थैंक यू।